अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने टेरेस गार्डन के कुछ फ्लावर्स आपको दिखाने वाले हैं, जिसे एक फ्लावर से आप कई फ्लावर बना सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारी विंटर सीड की ग्रो हो रही है। तो आप देख सकते हैं जो हमने आइस फ्लावर की सीड डाली थी, तो वो अब ग्रो हो रही है। ये नेक्स्ट डे का रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं अभी छोटी छोटी निकली है। और ये जो हमने रिपॉट किया था हॉलीहॉक के फ्लावर, उसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यहाँ पे मैंने कुछ सीड डाले हैं, ये मैंने कैलेंडुला के डाले थे जो कि अभी नहीं निकल रही हैं। ये भी पौधा हमारा अच्छा चल रहा है। ये सारे विंटर फ्लावर मैंने लगा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये कैलेंडुला में भी दो तीन फ्लावर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो अब देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसी होती है। ये हमारा आइस फ्लावर है जो कि अभी 3 दिन हुए लगा है, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। ये हमारा हॉली ओक है, ये भी अच्छा चल रहा है। ये सारे हमारे विंटर के फ्लावर थे। तो चलिए अब हम आपको ऐसे पौधे दिखाते हैं जिससे आप हजारों पौधे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये पौधा देखिए, इसकी एक लीफ में देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा पौधे निकले हैं। और इसमें विंटर में फ्लावर भी आते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें पौधे हैं, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये पौधे इसमें से निकाल कर आप मिट्टी में लगा दीजिए, इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। तो चलिए आपको कुछ और प्लांट दिखाते हैं। ये हमारा रोयू का प्लांट, इससे भी आप एक प्लांट से हजारों प्लांट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने कितने छोटे से पॉट में लगाया है, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। ये हमारा रेड लीफ प्लांट, इसकी भी मैंने बहुत छोटी सी डैनी लाई थी और ये आज बहुत ही बड़ा हो गया है। ये हमने इसमें लीली भी लगाया है, रेन लीली। तो अभी चल रहा है अक्टूबर का मंथ और इसमें अभी भी फूल लग रहे हैं। तो इसको भी आप एक दो बल्ब से आप इसे बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। इसमें मैंने येलो लिली फ्लावर की भी बीज डाली है। ये हमारा एक फ्लावर है जिसमें अब फ्लावर आ रहे हैं, इससे भी आप कई फ्लावर बना सकते हैं। इसका नाम आप कमेंट करके बताइए, इसका नाम क्या है।